नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लाइटेंट फीमेल पाम है। सवाल इनके बहुत सारे थे कि आज का फ्यूचर कैसा रहेगा, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनके यही सवाल उठाते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मेंटल हेल्थ यानी मस्तिष्क का मेंटल हेल्थ बढ़िया है, उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जीवन में हमेशा के लिए, आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो आपकी मस्तिष्क है वह सीधी नहीं है, इसने घुमाव लिया है इस प्रकार से। ये देखिए, ये घुमाव आया है। जब मस्तिष्क में घुमाव आ जाए तो व्यक्ति का मानसिक स्तर, सोचने समझने का तरीका, लाइफ के इंपोर्टेंट डिसीजन, मॉरल वैल्यूज बारंबार चेंज होते हैं, उनमें बदलाव आने वाले रहेंगे। मस्तिष्क का घूमना कहीं ना कहीं दिमागी स्तर में बड़े बड़े और महत्वपूर्ण चेंजेस को दिखाने वाला रहता है। और आपका जो मस्तिष्क का पूरा विश्लेषण है वो मैं वीडियो में बाद में करूंगा, आपका जनरल से शुरू करते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ का और सवाल था। देखिए, फिजिकल हेल्थ में आपके हाथ में दिक्कत रह सकती है, बट छोटी छोटी रहेगी, बड़ी बीमारी अभी हाथ में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट छोटी छोटी फिजिकल हेल्थ आपके हाथ में है, उससे रिलेटेड जो समस्या है और उसका क्या निवारण है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला रहूंगा। यहाँ पर देखिए, शुक्र पर जो आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएं, शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या देने वाली रहेंगी। आपको अपने जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स और काफी सारी समस्या आएंगी। कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिविटी, बेफिजूल की चिंताएं और ओवर थिंकिंग करना, इस तरह के भी नेगेटिव प्रभाव आपको जीवन में देखने वाले मिलेंगे। और आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या अगर नहीं आती है तो मित्रों स्वास्थ्य भी समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति का पैसा लग्जरियस चीज़ों पर यानी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होता है। शुक्र आपके हाथ में व्यवस्थित है, बट फिर भी इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मैंने इसलिए इनके विश्लेषण बता दिए। यहाँ पर आपके हाथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी देखा है, लंबे समय के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कहीं भी अगर फंसाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, आपको फायदा मिलेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंगूठा आपको यहाँ पर हल्का सा सीधा है, लेकिन इसमें घुमाव आया है। जब अंगूठे में इस प्रकार घुमाव आता है, ये आपको अपने जीवन में थोड़ी बहुत समस्या इस प्रकार देगा। फ्रेंड नेचर नहीं होता, क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा, अंगूठे के सेकंड लाइन पर तर्क वितर्क शक्ति, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। संतान सुख आपको जीवन में बढ़िया मिला है, आगे भी संतान द्वारा पूरी सेवा होने वाली रहेगी। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई, यहाँ पर आपके हाथ में मणिबंध पर 2 से 2.5-3 रेखाएं, जब मणिबंध पर 2 से 2.5-3 रेखा होती है, ये आपको जीवन में अच्छा लाभ देने वाली रहेंगी। जब भी आप जीवन में सुबह सुबह उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का अगर जाप करते हैं, ये आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अगर आप, ये आपके लिए मैं अमृत मंत्र बता रहा हूँ, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप खाली समय में कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चंद्र पर मैं देख पा रहा हूँ, चंद्र पर इस प्रकार ये आड़ी रेखा है, चंद्र पर जब ये आड़ी रेखा होती है आपको अपने जीवन में काफी समस्या देने वाली रहेंगी। क्या? मन में अशांति रहती है, मन में चिंताएं रहती हैं और कहीं ना कहीं एक शांत चित्त मन नहीं रह पाता। इसका उपाय यही है कि देखिए, जब चंद्र पर इस प्रकार ये रेखा होती है, ये आपको नेगेटिव थॉट्स तो देने वाली ही रहेंगी, बट इसके साथ अगर आप किसी प्रकार भी अनजाने में अगर महादेव की भक्ति करते हैं तो लाभ मिलता है। किसी प्रकार से महादेव की भक्ति कीजिए, उन्हें जल चढ़ाइए, घर पर शिवलिंग ले आइए, उन्हें स्थापित कीजिए, उन्हें जल चढ़ाइए और मेडिटेशन कीजिए, उनके सामने बैठकर महादेव की भक्ति करके चंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़ा लाभ आपको देने वाले रहते हैं। बाकी स्त्री जाति के संबंधों में भी खराबी रेखा देती है, बट फिर भी आपको, आप जिस व्यक्ति को ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, जितना दूर का यानी कम ट्रैवल करेंगे उतना लाभ मिलेगा। जल तट से व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, जल के पास ना धोकर, जल के पास जाकर थोड़ा सावधानी नहीं रखनी चाहिए, जल में भी आपको दिक्कत रह सकती है, जल से रिगार्डिंग। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मंगल है, मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रमी है आप स्वभाव से, और इसके साथ साथ जब भी जीवन में संघर्ष आएगा, असंघर्ष से लड़ने वाले रहेंगे, संघर्ष से डरकर भागने वाले योग आपके हाथ में आपके मंगल द्वारा नहीं है। और देखिए, ये जो आपका भारी मंगल है, ये आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं करवाने वाला रहेगा, और जीवन में गुप्त शत्रुओं से भी कोई भय होने के योग नहीं है। और भी बहुत सारे शुभ लाभ रहते हैं। देखिए, भारी मंगल व्यक्ति जीवन में सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स और फिजिकल एनर्जी के कारक होते हैं, तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और मेंटल थिंकिंग बढ़िया रहती है, और व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी ही अपने चारों तरफ फैलता है, पूरे पूरे आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए, आपके हाथ का जो अंदरूनी मंगल है, ये भी अच्छी अवस्था में, बट यहाँ पर जो मैं रेखा देखना चाह रहा था वो रेखा नहीं है। तो अंदरूनी मंगल आपके जीवन में, आपको बुढ़ापे में कोई फिजिकल एनर्जी की से रिलेटेड, आपको बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता से कोई समस्या नहीं आने वाली रहेगी। और बाकी देखिए, ये जो आपके अंदरूनी मंगल है, ये आपको गुस्से की समस्या थोड़ी बहुत दे सकते हैं, बट ओवरऑल अगर काबू करना चाहते हैं तो गुस्से पर आपको सही समय पर काबू रहने वाला रहेगा। बाकी इसमें कुछ अच्छे प्रभाव भी मिलने वाले रहते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठकर अगर धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। इस तरह के पूर्ण और बढ़िया योग आपके हाथ में मैं आपके अंदरूनी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। थोड़ा गुस्से की समस्या बस ये दिखा रही है, बट फिर भी ये आपको बड़ा प्रभाव, बड़ा नुकसान देने वाली नहीं रहेगी। यहाँ पर जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, यहाँ पर ये हल्के से यहाँ से उठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जितना सात्विक रहेगा, जितना अपने जीवन में धार्मिक रहेगा, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला रहेगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आध्यात्मिक तरफ ज़्यादा जाएँ, आपका ध्यान जो है आध्यात्मिक तरफ रहे। जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक बनेंगे, आपको अपने जीवन में आपको इतनी उतनी ही कम टेंशन, उतनी ही कम चिंता
रहेंगी किसी भी प्रकार से रिलेटेड। बाकी समाज सेवा करके बड़ा लाभ कमाया जा सकता है, समाज सेवा करके अपने पुण्य कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के भी पूर्ण एवं अच्छे योग आपके हाथ में, आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर शनि पर्वत आएंगे, शनि पर्वत पर देख पा रहे हैं वी का साइन भी है। शनि पर वी का साइन आपको अपने जीवन में मान के चलेगा कि ये आपको बुढ़ापे में लाभ देने वाला रहेगा। संतान द्वारा पूरी सेवा बुढ़ापे के अंदर रहेगी, संतान द्वारा एक अच्छा सपोर्ट जीवन में मिलेगा, संतान का भाग्योदय सही टाइम पर सही समय पर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए वी का साइन दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की सरस्वती ढैया आपको लाभ देने वाली रहेगी। तो आप एस्ट्रोलॉजिकल ऐप किसी पर भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि आपके जीवन में आपकी सरस्वती ढैया कैसी रहेगी, उसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए शनिदेव न्याय के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। तो व्यक्ति अगर न्याय में किसी की मदद करता है और व्यक्ति न्यायशील होता है और कभी अधर्म का साथ नहीं देता तो शनिदेव की असीम कृपा बरसती है। बाकी शनिदेव के शुभ प्रभाव पाने के लिए अगर सरसों के तेल का दान करते हैं तो लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान कीजिए। बाकी एक उपाय और होता है अच्छा वाला, जो व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके हाथ में भी शनिदेव अच्छे हैं और आप इन्हें अच्छा और बनाना चाहते हैं तो शमी के पेड़ की सेवा कीजिए। जितना आप शमी के पेड़ की सेवा करेंगे निष्फल भाव से, उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। तो इस तरह के कार्य भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लाभ 100% मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो आपके सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर ये इस प्रकार दो हिस्सों में टूट रही है, तो करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन देने वाली रहती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड होता है, इसका व्यक्ति को नुकसान मिलता है। व्यक्ति को पता नहीं था कि मुझे कहाँ करियर बनाना चाहिए, कहाँ मेरा भाग्योदय जल्दी और तेज होगा। इस तरह के योग भी आपके हाथ में आपकी इस रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर वी का साइन बना है, मछली बनी है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि ये पिक्चर यहाँ पर ब्लर हो रही है। अगर ये मछली साइन होगा तो बहुत शुभ लाभ देने वाला रहेगा, आपकी सफलता को 10 गुना बढ़ाने वाला ये साइन रहने वाला है। बुध पर भी दो केवल सीधी खड़ी देखा, आपको अच्छी व्यापार क्षमता देने वाली रहेंगी। व्यापार करके जीवन चला मान सम्मान कमा सकते हैं। वाणी द्वारा अपना व्यक्ति भाग्योदय करता है, वाणी द्वारा अपने बड़े जन गुजरों का मान सम्मान भी करता है। अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा, पैसे का सदुपयोग आपके हाथ में है। पैसे से पैसा आने की कला भी जीवन में बनी रहेगी। धनुषाकार रेखा भी, धनुषाकार रेखा बनती है, व्यक्ति जीवन में समझदार होता है तो समझदारी से जो भी निर्णय लेता है हमेशा उनके काम आता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि ये जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची। आप एक काम कीजिए, इस उंगली को थोड़ा सा नाखून बढ़ा लीजिए, उससे फायदा मिलने वाला रहेगा। बाकी ये जो आपकी जो उंगलियां है ये दिखा रही है कि आपकी जीवन में मन में बेचैनी रहती है, हड़बड़ाहट रहती है, अपनी बात को सही समय पर नहीं कह पाते और कहीं ना कहीं पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचता नहीं है। इसका आपको उपाय ये करना रहेगा, देखिए आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन अपने आप खर्च भी कर देते हैं। तो आपको जीवन में ये करना रहेगा कि जीवन में जब भी हो सके बड़ा पैसा बचाने के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना बड़ा पैसा आपके बैंक में रहेगा उतना वही वो खर्च होगा। पैसा ऐसा रखिए कि आपकी नज़रों से ओझल रहे, आपकी नज़रों से दूर रहे, तो लाभ मिलने वाला रहेगा आपको पैसे से रिलेटेड। सूर्य की उंगली बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी है, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन रख के मार खा जाते हैं व्यक्ति, और बाकी अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हमेशा क्रिएटिव पर्सनैलिटी होते हैं, कभी कोई नया कार्य अपनाने से नहीं चूकते, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना व्यक्ति को आता है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है यहाँ पर देख रहा हूँ, ये मैं आपकी सेवा करने वाले के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। बाकी यहाँ पर दूध भी बन रहे हैं तो आपको हेल्थ रिगार्डिंग समस्या बुढ़ापे में आने वाली रहेंगी। आपको बचपन में नहीं, आपको बुढ़ापे में काफ़ी समस्या आने वाली रहेंगी। इसके लिए आपको अपनी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत का खास ध्यान रखना रहेगा। फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से अपना खास ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह घूमने जाया कीजिए और सुबह सुबह उठकर योगा मेडिटेशन करते हैं तो लाभ मिलने वाला रहेगा, क्योंकि आपको बुढ़ापे में स्वास्थ्य से समस्या आने वाली रहेगी। ये रेखा शनि पर ही जाकर रुक गई है तो इसका ये प्रभाव मिलता है कि आप जैसे व्यक्ति थोड़े बहुत आगे चलेगा मनी माइंडेड होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, पैसे के स्वार्थी हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, सेंसिटिव टाइप पर्सनलिटी होती है, सिक्योरिटी टाइप पर्सनलिटी होती है। अब वो व्यक्ति जिनको बहुत सारे लोग की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत कम लोग होंगे जिनको भी बहुत सारी बातें पता होंगी। इस तरह के भी योग आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा द्वारा पूरे पूरे बन रहे हैं। और हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा अगर आप समाज की तरफ झुकेंगे, समाज में अपना श्रेय देंगे और समाज को आपके आपसे लाभ मिलेगा तो आपको जीवन में बड़ी उन्नति खुद ब खुद मिलेगी। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क घूम रही है, मैंने पहले दर्ज कर लिए हुए है, बट फिर भी मस्तिष्क यहाँ से जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। ये रेखा आपको जिद्दी बनाती है। आप ऐसे होती है कि अपने जिद पूरी करने के लिए किसी भी से भी लड़ना भिड़ना जानते हैं और लड़ भिड़ भी जाते हैं। अगर आपकी जिद पूरी ना हो तो व्यक्ति फिर मान सकते हैं डिप्रेशन वाली स्टेट में भी चला जाता है। व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, जिद्दी पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, और व्यक्ति को बाद में अफसोस होता है कि मैं जिद क्यों की। लेकिन व्यक्ति का जो नेचर होता है इस प्रकार का होता है कि अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने देता और उन चीज़ का नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को जीवन में आता है। बाकी ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में तो इंडिपेंडेंट सोच रहेगी, झूठ बोलना पसंद नहीं आता, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं करते, कभी किसी पर ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते, रिलीजियस इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते, एक धर्म पर ही मानने वाले और उन पर ही आश्रित रहने वाले होते हैं और हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जहाँ लॉजिक ना बोले उस चीज़ को व्यक्ति विश्वास नहीं करता। बाकी हाथ में मस्तिष्क सही है तो दिमागी स्तर अच्छा रहेगा, दिमागी तौर पर जो भी निर्णय लेंगे हमेशा आपके
काम आने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है वह सही है, बट ये देखिए यहाँ से ट्रेवल लाइन काफी ज्यादा है, ये आपके जीवन में थोड़ी कुछ समस्या चल रही है, पहले बताया था, और ट्रेवल भी दिखा रही है। जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा 1 2, यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मनी ट्रायंगल का मतलब ये नहीं था कि व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा, ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि बहुत सारे पामिस्ट ने फैला रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा पैसा होगा। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति है और वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और आप हैं जो कि आप भी 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, इसके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, तो आप इससे ज्यादा पैसा बचाने में सक्षम रहेंगे। इनकम अगर बराबर भी हो तब भी आप ज्यादा पैसा बचाने में सक्षम रहेंगे, पैसे को सेव कर पाते हैं, और यही आपके जीवन में गलती रहेगी, क्योंकि आप पैसे को सेव कर रहे हैं, जितना पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना लाभ मिलने वाला रहेगा। तो पैसे से पैसा बनाने की कला आपके अंदर है, तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, जितना पैसा आपके जीवन में इन्वेस्ट करके फायदा होगा उतना पैसा आपको सेव करने से नहीं मिलने वाला रहेगा। जीवन रेखा मजबूत है, बस बीच बीच अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, और थोड़ी बहुत हेल्थ रिगार्डिंग समस्या भी है, तो इसका उपाय यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहिए, पैदल चलिए, सुबह सुबह उठकर योगा मेडिटेशन करिए तो लाभ मिलेगा। अगर ये कार्य करते तो बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या नहीं आने वाली रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। और देखिए यहाँ पर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा मजबूत है, बुढ़ापे में आपको अच्छा भाग्य रहेगा, बुढ़ापे में आपको जीवन में हर तरीके से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, फाइनेंशियल वाइज हेल्थ वाइज तो जरूर आने वाली है। बाकी भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने आपके हाथ में से पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सोलह एग्जाम मिल जाएंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। देखिए मुझे आपको इसकी चीज़ के उपाय देने देंगे, मुझे आपको उपाय देने देंगे भाग्य रेखा को मजबूत करने के, थोड़ा जिद कम कीजिएगा और अपना स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए, आपके जीवन से रिलेटेड समस्या आएगी बुढ़ापे में। नेगेटिव थिंकिंग है, महादेव की भक्ति कीजिए, से राम मिलेगा। यहाँ पर पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत दिख रही है, इसके आपको उपाय मैं दे दूंगा। और देखिए मैं डेली काफ़ी लोगों से इस करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि किसको कौन सा उपाय देने हैं, तो आप ही मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन चीज़ों के उपाय दे दिए, तो मैं आपको सारे डिटेल में पहुंचा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।